हेलो हैंडमेड लवर्स, आपका आज फिर से स्वागत है हमारे चैनल DIY आशूज हैंडमेड आइडिया में। तो आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल। सब कुछ बहुत ही इजी होने वाला है और आपको सब कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्ट बॉटल से। मैंने ये बॉटल के जो सेंटर वाला एरिया रहता है ना, वो थोड़ा प्लेन रहता है, इसलिए मैंने उसको निकाल लिया और एक साइड से मैंने उसको कट कर लिया ताकि ये ओपन हो सके। बिकॉज हम कड़ा बनाएंगे तो ओपन होगा, तभी हम हैंड में वेयर कर पाएंगे। फिर आप चाहे तो इसमें प्लेन फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास लकीली ये सिक्वेंस वाला फैब्रिक पड़ा था तो मैंने सोचा यही यूज किया जाए। तो हॉट ग्लू से मैंने इसको पूरी अच्छी तरह से फैब्रिक से कवर कर लिया है। देन सीरियसली बताऊं तो मुझे एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी करने का नहीं लग रहा था, बिकॉज ये ब्लैक कलर का सिक्वेंस बहुत ही प्यारा लग रहा था। बट नवरात्रि है तो मिरर्स और कॉरी शेल्फ सब ऐड करना जरूरी है। तो मेरे पास पॉम्पम लेस नहीं थी, इसलिए ये पतली वाली थी पॉम्पम लेस, मेरे पास पॉम्पम भी अवेलेबल नहीं थे। तो मेरे पास जो लेस अवेलेबल थी उससे मैंने मिरर को कवर किया। ये बहुत ही मस्त लग रहा था यार, सच्ची में मुझे पता नहीं था ये इतना प्यारा लगेगा, बट ठीक है। फिर मुझे इसे ना लॉक करने के लिए लॉक न लगा के मैंने दोनों साइड से शॉर्टन रिबन ऐड की व्हाइट कलर की, और जो भी मिरर्स मैंने रेडी किए ना उसे वन बाई वन मैंने इसमें अच्छे से स्टिक कर लिए। और नीचे साइड से मुझे कॉरी शेल्फ लगाना था बट मेरे पास नहीं था, तो मैंने गोल्डन टच देने के लिए गोल्डन कलर की ये लेस लेकर और ऊपर से वाइट कलर की, ये मेरे पास कॉरी शेल्फ के ये अवेलेबल थे, इसी टाइप के थे, तो मैंने कवर कर लिए और ये हमारा बन के हो गया रेडी। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, बिकॉज मुझे बहुत 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 प्यारा लग रहा था, नवरात्रि की पूरी वाइब्स आ रही थी। बट इयररिंग्स तो बने ही नहीं, चलो फिर वो भी जल्दी से बनाते हैं। तो जल्दी से उठा लो वेस्ट शादी का कार्ड, उसे सर्कल कट करके फिर दो हाफ सर्कल में कट करके उसे सेम वैसे ही सीक्वेंस वाले फैब्रिक में कवर कर लेंगे। बट पता है क्या हुआ, ये ना लाइट कलर ले लिया मैंने, आप अगर लेंगे ना तो डार्क कलर का लीजिएगा, बिकॉज मुझे इसे दो बारी फैब्रिक से कवर करना पड़ा। फिर बैक साइड से फिनिशिंग के लिए मैंने फिर से ब्लैक कलर के फैब्रिक से कवर किया, और मुझे क्योंकि मैचिंग बनाना था इसलिए हमने जो मिरर वाला पॉम्पम लेस के साथ रेडी किया था ना, वो दो और मैंने रेड कलर की रेडी की और उसे इस हाफ सर्कल के ऊपर हमने हॉट ग्लू से अच्छे से स्टिक कर दिया और बैक साइड हमने हुक भी ऐड कर दिया। पॉम्पम मेरे पास नहीं थे जैसा कि मैंने कहा, तो पॉम्पम लेस से मैंने पॉम्पम कट करके वो ऐड की और कॉरी शेल्फ ऐड कर दिए। तो चलो अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। टन 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 टन। कमेंट करके जरूर बताना कैसा बना है, बहुत मेहनत लगती है यार। अब हमारी बची रिंग, चलो फिर रिंग भी बनाते हैं जल्दी से। फिर से हमने ले लिया हमारा वेस्ट शादी का कार्ड और इसे फिर से हमने सर्कल में कट करके ब्लैक कलर के सीक्वेंस फैब्रिक से कवर कर लिया। देन मिरर वाला पॉम्पम वाला हमने रेडी किया फिर से एक, और इस बार मैंने ब्लू कलर का रेडी किया है। मुझे क्योंकि मैचिंग चाहिए था इसलिए मैंने जो जो मटेरियल उसमें यूज़ किए थे सारे मैंने इसमें यूज़ कर लिए। पता है नवरात्रि में ना बहुत ईजी होता है सब कुछ बनाना, क्योंकि जो भी है आपके पास बस लगाते जाओ, कलरफुल करते जाओ। मेन मिरर का रोल होता है इसमें। ये मेरी टूटी रिंग का एक पड़ा हुआ था तो बैक साइड मैंने हॉट ग्लू से इसे अटैच करके शॉर्टन रिबन को भी साथ में स्टिक करके स्ट्रॉन्ग बना दिया और ये हमारा बनके हो गया रेडी। कमेंट करके जरूर बताना, फिर से बोल रही हूँ बहुत मेहनत लगी है। ओके अब क्या बचा, सब कुछ तो बन गया यार, डांडिया हैंड्स खाली है मेरे। चलो फिर डांडिया रेडी करते हैं जल्दी से। ये क्या हुआ था ना, हम लोग ऐसे गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, तो रास्ते पे मुझे बहुत सारी ये ना ब्रांचेस वगैरह दिखी थी, तो मैंने सोचा इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। तो इनको मैं घर लेकर आई और इनको अच्छे से मैंने पहले क्लीन किया, क्योंकि डांडिया बहुत स्ट्रेट होती है तो बहुत मेहनत लगी यार इसको करने में। तो डांडिया जिस साइज की रहती है ना, उस साइज की मैंने दो रेडी किए, फिर भी ये उतनी फिनिशिंग से नहीं हुए थे इसलिए मैंने इसे पेपर से ना कवर करके कलरफुल फैब्रिक से कवर किया। देन इसके ऊपर मैंने राउंड राउंड करके गोटा लेस को डेकोरेट कर दिया, बट गोटा लेस मैंने लाइट यूज़ की है, ज़्यादा नहीं यूज़ की है, बिकॉज जब हम डांडिया खेलते हैं ना तो ये निकलते रहती है और इरिटेट करती है। ये लटकन मुझे दीदी ने दी थी, उनकी ड्रेस से निकली हुई थी, वेस्ट थी, तो मैंने सोचा इसी से इसको डेकोरेट किया जाए। तो मैंने इसे डांडिया के कॉर्नर में राउंड राउंड करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके अच्छे से कवर कर लिया, बट मुझे थोड़ा सा ये फिनिशिंग से नहीं लग रहा था इसलिए मेरे पास पॉम्पम वाली एक लेस पड़ी थी थोड़ी सी, तो उसका पॉम्पम कट करके मैंने वो इस पे लगा दिया, वो मैंने दोनों साइड लगा दिए और ये हमारी बनके हो गई रेडी। कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत मेहनत लगी है, फिर से बोल रही हूँ मैं। अब सब कुछ तो रेडी हो गया, अब हमारा क्या बचा, हेयर एसेसरीज यार, उसके बिना इनकम्प्लीट है, चलो फिर वो भी बनाते हैं। इसके लिए मैंने ली वोलन, मेरे पास फोर कलर अवेलेबल थे, तो दो मैंने येलो कलर की एंड एक ऑरेंज कलर की लेकर उसमें नॉट टाई की अच्छे से। नीचे टिश्यू टेप से स्टिक करने के बाद, जैसे हम लोग बचपन में चोटी बनाते थे ना,
मुझे मेरा बचपन याद आ गया, मैं बहुत बनाती थी यार ऐसा। तो वैसा ही हम इसको वन बाय वन बनाते जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्टार्टिंग में जब वीडियो स्लो था तब इसे आराम से देखिए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपसे बन जाएगा, बहुत ही ईजी है। पिंक कलर की दो पॉली शेल्फ मैंने इसमें अटैच करके लास्ट में नॉट टाई करके इसे कट कर लिया। इसमें मैंने स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ा है, उससे क्या है ना हमको इसको अलग अलग रेडी नहीं करना पड़ेगा। मींस आप इसे रबड़ मैट में भी अटैच कर सकते हैं या फिर आपको क्लिप में अटैच करना है, आप कहीं भी बहुत ईजिली इसको अटैच कर पाएंगे। ऐसी मैंने तीन रेडी की है, मैंने इसकी लेंथ कम रखी है बिकॉज मेरे हेयर्स छोटे हैं। दो में कॉरी शेल्फ और एक में वाइट बीड ऐड की है और ये हमारा फाइनल लुक। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। बाय बाय।